रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हम मंडी बाउद्दीन अपने बड़े प्यारे भाई हुरम शहजाद साहब नंबरदार जो हैं मंडी बाउद्दीन के बुकन पिंड खुद वो इस वक्त फ्रांस में मुकीम है, फ्रांस पेरिस में। ये उन्होंने अपने डेरे पे छत बनाई है। ये देखे चारों तरफ पहलियाँ पहलियाँ और बड़ी बड़ी अच्छे माशाल्लाह से ये गंदम लगी हुई है। देखे ये पकाई के करीब करीब है गंदम, उस तरह भी सारी ये देखे फसल गंदम की लगी हुई है जो देखे चारों तरफ। और ये उनकी छत है, छत का व्यू देखे हर तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है कबूतरों के लिए। आइडियल लोकेशन देखे, आइडियल छत। ये उनका जोड़ा का सेटअप है नीचे। ये कुत्ता भी उन्होंने रखवाली के लिए रखा हुआ है। ले जी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कबूतर उनके पास जोड़े कैसे हैं, कबूतर किस तरह के उन्होंने उड़ाने हैं वो भी आपको दिखाएंगे सारे। लाहौर से हम आज स्पेशल अपनी छत पे विज़िट करने आए हैं। ये हमारी अपनी छत है। ले जी ये देखें इस तरफ आते हैं जोड़े। ये देखें ये ऊपर बच्चे जो पलते हैं ऊपर चले जाते हैं, ये नीचे देखें जोड़े। चले चलते हैं आपको शो करवाते हैं। इस तरह आपको दिखाएंगे जोड़े। ले जी बच्चे ये अंदर आ गए। यहाँ से देखें ऊपर चले जाते हैं जोड़े। ये अंदर आए हम। देखिए मिट्टी के बने हुए हैं सारे। ये होते हैं देखिए जी, यहाँ पे बच्चे ऑटोमेटिकली बड़े अच्छे पलते हैं। गर्मियों में ठंडा होता है, सर्दियों में ये गर्म होता है खुड्डा। देखिए जोड़े वाले कबूतर इनके पास कुछ नीचे बैठे हुए हैं। ये देखिए बड़े बेहतरीन बच्चे इस मिट्टी पे मिट्टी के ये जो खाने बने हुए हैं इनमें पलते हैं। चेक कर सकते हैं आप। ये देखे अली अली माती सर भी देखे बच्चे माशाल्लाह से पले हुए हैं। दूसरे कैज में चलते हैं जी। जी ये बाहर निकलते हैं यहाँ से, दूसरे केज का मैं आपको विजिट कराता हूँ। जी ये चलते हैं दूसरे खाने की तरफ। इस तरफ भी जोड़ वाले कबूतर हैं। ये देखिए भाई ने ट्रे बड़ी अच्छी बनाई है ये दाने के लिए, बड़ी आराम से 60-50 कबूतर खा सकते हैं ये। इस तरफ आते हैं ये देखें, ये जोड़ों का सेटअप है उनका। इस तरफ भी कबूतर देखें मिट्टी का लेप हुआ हुआ है, ये आइडियल खुड्डा है बच्चे पलने के लिए। देखें ये बैठ के दिखाता हूँ आपको। ये देखें ले जी ये उनके जोड़े कुछ उन्होंने अपने घर के रखे हुए हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं इनके बच्चे, बड़े सादे से कबूतर हैं इनके पास। चलते जी आप ऊपर वाले छत पे। ले जी यहाँ से हम निकलते हैं। ये देखे जी ये यहाँ पे ये भैंसों के लिए बाड़ा बनाया हुआ है।
ये, और वो छत ऊपर है, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। इस तरफ का आपको विजिट कराते हैं। ये यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये कबूतर उड़ाने वाली छत है, ये मिर्जा साहब बैठे हुए हैं। वालेकुम सलाम सर जी, कैसा लगे आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगे। तबीयत खुश हो गई आपकी? मैं कह रहा हूँ मज़ा आ गया, बाश हो गया। ये इम्तियाज भाई हैं जी, छत के मालक। ये भट्ट साहब है, ले जी ये आपको शो कराते हैं उड़ने वाली मादियों का। ले देखे जी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है इस कबूतरों में, शाम तक की परवाजें इनको मादियों की। ले जी ये देखें, ये चेक करें, ये माती हैं, इनकी परवाज़ें जनाब अली सबका 7-7 बजे देखी हैं, 7:30 बजे तक। इसके बाद आपको मैं नरों की भी सारी दिखाऊंगा वीडियो। ये पहले मादियाँ चेक करें, बड़ी आउटस्टैंडिंग मादियाँ। इस दफा इंशाल्लाह शौक बड़ा अच्छा होगा इस छत से। दाना इन्होंने खा लिया हुआ इस वक्त, आज मौसम भी बड़ा अबरलू था, यानी कि बादल छाए हुए थे, बारिश हुई है। ये मातियों के बाद आपको दिखाते हैं नर, चलते हैं नरों की तरफ। जिस तरफ नर है सारा, ये देख ये नर लग रखे हुए हैं, मादियाँ लग रखे हुए हैं। उड़ाने का तरीका भी यही होता है ताकि आपस में लगे ना और मादियाँ जो मायापुर ना हो। एक बच्चा भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, ये बच्चा ये सारे नर हैं, इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है सब माशाल्लाह से। शाम 6:30-7 बजे तक की परवा दें। ये देखे सारे मिट्टी के लेप हुए यहाँ पे भी। ये आप मुझे भी देख लें, ये देखे आपको दिखा रहा, ये अंदाज। अब दूसरी तरफ चलते हैं, ये जिस तरह भी कबूतर जो है उड़ते हैं वो चेक कर।
इस तरफ ही देखें, ये बैकअप है जो मीनार और माती दिखाए उसके बाद ये बैकअप है, यानी ये भी उड़ान पे चढ़े हुए हैं। इनकी भी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है। माशाल्लाह से बड़ी मेहनत की है इम्तियाज़ भाई ने इन पे और बड़े अच्छे कबूतर तैयार किए हैं। अल्लाह ताला उनकी मेहनत का उनका उजर दे। ये सारे बैकअप में हैं, इंशाल्लाह इनमें भी बड़े अच्छे कबूतर तैयार हो जाएंगे। बड़ा आउट क्लास ये वैशी नीलदुम्बा कबूतर है। ये चलते हैं बच्चों की तरफ। ये व्यू चेक करें आप छत का, छोटे कबूतर है। ये सर बच्चे हैं जो बच्चे नए छोड़े हैं। ये चेक करें जी, ये सारे नए कबूतर जो बच्चे छोड़े हैं वो ये वो है। यहाँ पे देखें मिट्टी का लेप हुआ है सारा, इनमें पिपलों वाले बच्चे भी हैं। ये बच्चों का सेटअप है। ले जी ये आपको शो करवाया मुझे बाउदिन में जो छाता है उसका करते हैं तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ताज जी कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बड़ा मज़ा आया। छत कैसी लगी आप? मैं कह रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त, इंशाल्लाह ये छत हमारी बड़ी कामयाब रहेगी। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे देखे ये सारा व्यू दिखाया होगा आपने। हाँ जी कमाल छत है यार। ये जी मिर्ज़ा राशिद बेग साहब है उस्ताद हमारे, ये कबूतरों के जोड़े लगवा रहे हैं उनके कुछ है। और शौक अपनी जगह। हाँ लेकिन जो यहाँ पे व्यू है ना वो देखने वाला, व्यू तो इतना अच्छा है उस्ताद जी कि हर तरफ फ्रेश एयर है, ऑक्सीजन है, दिल खुश हो जाता है छत पे। मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पे अगर पंजाब लेवल पे लड़े ना हाँ तो यहाँ से हम ये इंशाल्लाह पंजाब लेवल पे उस्ताद जी शौक होगा। देखिएगा आप छत आएगी, कबूतर आपने चेक किए बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह। हुरम भाई ने बड़ी मेहनत की है वहाँ बैठ के, इम्तियाज़ भाई ने बड़ी मेहनत की है, बाकी इम्तियाज़ भाई ने इतनी मेहनत की है बड़े अच्छे कबूतर बनाए हैं और दावत दी है ना उन्होंने। हाँ जी दिल से दी है, दिल से दी है और हम भी यहाँ आके बड़े खुश हो गए हैं, तबीयत हमारी खुश हो गई है। हुरम भाई को भी मैं कहता हूँ ये बड़े अच्छे इंसान है वो। हाँ जी इम्तियाज़ भाई कैसा इंशाल्लाह शौक जाएगा इस दफ़ा? इंशाल्लाह मेरे तो आपने बड़ी की है जनाब, बड़ी अच्छे कबूतर बनाए हैं और बैठे भी शाम तक हैं। आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला ये है। हमारी दुआ है कि जी आप कामयाब रहे हैं। पहले ये कबूतर एक शौक कराते हैं आपको, ये देखें जी पल्ला देखें कैसा, इसका पल्ला चेक करें, वाइब्रेशन सारी चीज़ें बहुत अच्छी बहुत अच्छी। हाँ जी ये दूसरी साइड का पल्ला देखें जी, इस कबूतर की बड़ी अच्छी जी परफॉर्मेंस है। इसका आंख का व्यू दिखाते हैं आपको, ले जी इसकी आंख भी देखें कैसे उधर रहे हैं।
ये देखें, चमक देखें, जर्रे देखें, क्या बात है यार, बहुत अच्छा कबूतर देखें, जर्रे भी देखें, बड़ा अच्छा कबूतर है जी इसके, माशाल्लाह से। एक और कबूतर आपको दिखाते हैं जी, नहीं जी, एक और कबूतर लेके आए इम्तियाज भाई, ये कहते हैं ये बड़ा शाम तक अंधेरों में बैठा कबूतर, ये सेबे वाले का बेटा जी, ये सेबे वाले चौधरी साहब वाले जो सेबे वाले उनका बेटा है ये पट्ठा, ये देखे जी, बड़ा अच्छा कुंदा माशाल्लाह से, देखे परियां तीलियां चेक करें, बारीक तीली का और जबरदस्त कबूतर है। ये दूसरी साइड का कुंदा, इसकी कितनी फड़के हैं? सारियां शाम जी, इनकी लातदार फिड़के जो है ना फिरते हैं, जितनी भी है ना ये शाम तक की हैं, बड़ा अच्छा कबूतर है ये। ये देखें पीले जिसके भी आंख, यार बहुत ज़बरदस्त, क्या बात है यार, थोड़ा बाहर से आज ही करें कबूतर, ये देखें जी इसकी आप आँख देखें, पलक देखें पीली पलकें, क्या बात है यार, बहुत आला ले जी, मज़ा आ गया कबूतर देख। ये होता है उस्ताद जी डेढ़ आला कबूतर, बिल्कुल जी, ये इसके नलियाँ वगैरह भी दिखाते हैं, देखें जी पंजे भी इसके देखें, क्या बात है यार, माशाल्लाह कबूतर ही बड़ा ज़बरदस्त है जी। एक और कबूतर दिखाया उस्ताद जी, कोई उस्ताद जी जहाँ तक नज़र जाती है ना, देखें हरियाली हरियाली है, देखें ये मैं दोबारा इसे दूसरी दफ़ा वीडियो बना रहा हूँ, आज मौसम भी बड़ा अच्छा है। लो जी एक और कबूतर आपको दिखाते हैं, शाम इस शाम तक की प्रवाजें हैं इसकी भी, ये इसका भी जिसम बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है जी, इसका भी कुंदा चेक करें, हाँ क्या बात है यार, माशाल्लाह यार शानदार कबूतर है, पर आउट क्लास कुंदा है इसमें, नर का देखें बनावट ही इतनी ज़बरदस्त है, पर होगी यार कमाल है यार, देखिए दूसरे साइड का ना दसवीं के भी लातदार परवाते हैं शाम तक की हैं, परियां और देखें दसवां पर कैसे अटैच हुआ है यार, कमाल है, भी दिखाएं ताज इसके, बहुत शानदार, चलिए कबूतर की आँख देखें, थोड़ा बाहर निकाले जी, ये देखें आ रहा ना, ये इसकी आँख देखें, इसकी भी पीली पलकें, क्या बात है, बहुत आला जोड़ बंद है इसके, बिल्कुल साथ जोड़ मिले, क्या बात है, ये अली अली, ये अली अली ले जी, ले जी एक और ये मादी, ये भी देखे शाम तक की प्रवाज है इसकी भी, ये भी है उसमें से है अली अलोमी से है, हाँ जी देखे क्या कुंदा है इसका भी, क्या बात है, देखे बड़ा अच्छा कुंदा है इस मादी का भी यार, डिजाइनिंग बड़ी की हुई है यार रंगों की, जी इसके भी आप चेक करें, क्या बात है, बाप देखे पलक देखें कितनी बारीक है इसकी, और नूर देखें, क्या बात है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छे कबूतर है जी, उस्ताद जी मज़ा आ गया कि शौक करने का भी, हाँ जी बहुत अच्छे कबूतर बनाए, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पंजाब लेवल पे आएगी, मेहनत तो की हुई है इन्होंने, नज़र भी आ रही है, और कबूतर जी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इस छत के बारे में, ये पकड़े था जी दोस्तों, ये छत आपने देखी है, ये चारों तरफ जहाँ भी आप देख रहे हैं, ये देखें पहलियाँ पहलियाँ गंदम लगी हुई यहाँ पे, और इस वक्त पकने के करीब करीब है, इस तरफ भी देखें तो सारी पहलियाँ हैं, इस तरफ देखें तो सारा, ये पीछे की तरफ चकवाल है, हाँ पहाड़ियाँ भी नज़र आ रहा है, पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही है, तो ये मौसम भी आप देख रहे हैं, मौसम चकवाल है, कमाल है, मौसम भी ज़बरदस्त है, और मैं कह रहा हूँ जो ग्रीनरी है ना, और दूर दूर तक देखें ग्रीनरी है, तो दोस्तों ये छत जो है ना इस वक्त इंशाल्लाह ये विनर होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ भी है, ये परफॉर्मेंस, और वो भाई भी बड़े अच्छे हैं, खुरम, क्या नाम है भाई का, खुरम भाई, हाँ जी खुरम भाई जो खुद है वो भी बड़े अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त, और जब बंदे की नीयत अच्छी हो साफ हो तो कबूतर भी बड़े अच्छे उड़ते हैं, कबूतरों की नीयत भी साफ है, बंदों की नीयत साफ है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा, बाकी उस्ताद जी से गुतगु करते हैं, नहीं वाकई ले उस्ताद जी आपको मज़ा आ गया इस छत का, दिल तो नहीं करता हमारा यहाँ से जाने का, वाकई नहीं दिल, हाँ जिस तरह की ये छत है, ये 3 घंटे का रास्ता है ना, हाँ जी ये लाहौर से 3 घंटे का रास्ता है, तो इस तरह की छत लाहौर में हमारे पास अगर हो तो हम यकीन माने तो तबाही मचा दें, मैं कह रहा हूँ 50 कबूतर, हाँ यहाँ पे 50 कबूतर ही बहुत है,
दोस्तों इंशाल्लाह आपको इस वीडियो का मज़ा आया होगा। आपने ये छत देख ली है, गुरम भाई जो है फ्रांस वाले उनकी ये छत है। इंशाल्लाह इस पर इस दफ़ा जो है ना बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा इंशाल्लाह। उस्ताद जी इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।